हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीवी फैक्ट्स में। आज इस वीडियो में हम आपको अमेरिका के छोटे शहर कस्बों के बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि अमेरिका के छोटे शहर दिखने में कैसे होते हैं, इन कस्बों में अमेरिका का कौन सा वर्ग रहता है और यहाँ की जीवन शैली किस प्रकार की होती है। यहाँ के घरों का डिजाइन और घरों का अंदर का नजारा दिखाएंगे। यह वीडियो अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य का है और इस वीडियो में हम वेस्ट वर्जीनिया राज्य के स्मॉल टाउन के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम यहाँ के पूरे मोहल्ले को घुमाएंगे, आस पड़ोस दिखाएंगे, जिसे अमेरिका में नेबरहुड कहा जाता है। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अमेरिका में छोटे शहरों को स्मॉल टाउन और सब अर्बन कहा जाता है। इन शहरों में अधिकांश रूप से खेतीबाड़ी करने वाले लोग, जिन्हें अमेरिका में स्मॉल फैमिली फार्मर भी कहा जाता है, वो रहते हैं और इसके अलावा मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा रहते हैं, जिनके अपने छोटे व्यवसाय होते हैं। ये छोटे शहर ज्यादातर अमेरिका के दूर दराज इलाकों में बनाए जाते हैं, जो कि बड़े शहरों और मेट्रो सिटी से थोड़ा दूरी पर होते हैं। अधिकांश रूप से यहाँ पर घरों का बाहर का डिजाइन एक जैसा होता है, क्योंकि पूरी सोसाइटी एक बार में एक नक्शे से बनाई जाती है। अमेरिका में जब भी कोई नई कॉलोनी बनती है तो उसके लिए जो भी जरूरी काम होते हैं वह पहले ही कर लिए जाते हैं, जैसे कि पूरी सोसाइटी का नक्शा पास करना हो, घरों का नक्शा पास करना हो, पानी, बिजली, सीवेज, बच्चों के लिए पार्क, रोड पार्किंग, रोड पे चलने के लिए साइडवॉक, फोन कनेक्शन, इंटरनेट और अन्य जो भी जरूरत की चीजें हैं उन्हें पहले ही लगवा लिया जाता है, तब जाके घर बनते हैं और लोग इन्हें खरीदते हैं। यहाँ पर अधिकांश रूप से जो भी घर बनते हैं उनमें 90% लकड़ी का इस्तेमाल होता है। इसके दो कारण हैं। पहला, अमेरिका में जंगल बहुत ज्यादा हैं। इतने बड़े पैमाने पर जंगल होने के कारण लकड़ियाँ आसानी से मिल जाती हैं। दूसरा कारण यह है कि अमेरिका में ज्यादातर राज्यों में ठंड बहुत पड़ती है, इस कारण लकड़ी से बने घर काफी उपयोगी होते हैं। लकड़ियों से बनने के बावजूद यहाँ के घर काफी मजबूत और इनमें आग लगने का खतरा ना के बराबर होता है, क्योंकि इन पर खास किस्म का पेंट किया जाता है जिसमें केमिकल मिला होता है, जिससे यहाँ पर आग नहीं लगती और ना ही ये बारिश के पानी से खराब होते हैं और ये घर सालों साल तक चलते रहते हैं। अब दिखाते हैं आपको अमेरिका के घर अंदर से कैसे दिखते हैं और नजर मारते हैं घर के सभी हिस्सों पर, चाहे वह ड्राइंग रूम हो, किचन हो, हॉल हो या फिर बेडरूम से लेकर बाथरूम हो, जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा अमेरिका में मिडिल क्लास लोगों के घर कैसे होते हैं। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में घरों की कीमत औसतन 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक होती है, जो अमेरिका के 1,30,000 अमेरिकी डॉलर से 1,70,000 अमेरिकी डॉलर के आसपास है। अमेरिका में हर राज्य में घरों की कीमत अलग अलग है। इस वीडियो में जो हम जानकारी दे रहे हैं, यह घर अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में आते हैं। यह रकम इंडिया के नजरिए से अधिक जरूर लगेगी, लेकिन अमेरिका में यह रकम कोई खास नहीं है। घरों का लोन आसानी से हो जाता है। अभी आप जो घर इस वीडियो में देख रहे हैं, इसकी कीमत लगभग 1,20,000 अमेरिकी डॉलर है, यानी 90 लाख के बराबर। इसमें 2 बेडरूम, 2 बाथरूम, 1 बड़ा सा हॉल, 1 किचन, 1 गैराज और 1 बैकयार्ड है। यहाँ के अधिकांश घर के डिजाइन अंदर से भी दिखने में एक जैसे होते हैं, क्योंकि ये सारे घर एक ही कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं और एक ही नक्शे से डिजाइन किए जाते हैं। हालांकि घर खरीदने के बाद आप इसमें हल्के बदलाव कर सकते हो। यहाँ के हर घर के सामने कूड़ेदान होना आवश्यक है, ताकि जो भी घर का कूड़ा हो उसे इस कूड़ेदान में डाला जा सके और बाद में सरकारी गाड़ी हर घर के सामने से कूड़ा उठा सके। यहाँ के प्रत्येक घर के पीछे बैकयार्ड होना बहुत आम बात है। बैकयार्ड उसे कहते हैं जो जगह घर के पीछे छोटा सा ग्राउंड होता है, जहाँ पर बागवानी, बच्चों के खेलने के लिए झूले और समय आने पर घर का फंक्शन भी हो सकता है। अब आपको घुमाते हैं यहाँ के आस पड़ोस मोहल्ले में, जिसे अमेरिका में नेबरहुड कहा जाता है। जो सोसाइटी आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यह अमेरिका का एक स्मॉल टाउन है।
जहाँ पर ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। ट्रक ड्राइवर से लेकर दुकानदार, फार्मर, कारपेंटर, लेबर, इस प्रकार के लोग ज्यादा रहते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर रहने की सोसाइटी बनाई जाती है, घर बनाए जाते हैं, वह बहुत ही शानदार है। इन कस्बों में सारी बुनियादी सुविधाएं होती हैं और इन घर को यहाँ के मिडिल क्लास लोग, मिडिल क्लास फैमिली आसानी से खरीद सकते हैं। ये जो आप पीले कलर की बस देख रहे हैं, ये यहाँ की स्कूल बस है। पूरे अमेरिका में स्कूल बस का डिजाइन और कलर आपको एक जैसा मिलेगा, पीले रंग का। यहाँ पर जब भी कोई स्कूल बस रोड पर रुकती है तो पीछे का सारा ट्रैफिक रुक जाता है। ये यहाँ का नियम है। ट्रैफिक तभी आगे बढ़ता है जब स्कूल बस बच्चों को नीचे उतार दे और बस चलना शुरू कर दे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।